हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ मोनिका गौर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है रेमेडीज के बारे में, जिसे अगर आप हफ्ते में कम से कम 3 बार यूज करते हैं तो आपकी सनटैन रिमूव तो हो गई होगा, साथ में अगर आप अपने खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं तो आपकी स्किन हेल्दी और फ्रेश बनेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी आगे मैं वीडियोस बनाऊं वो आपको मिलती रहे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले होम रेमेडी के लिए हमको चाहिए 1 चम्मच कॉफ़ी। कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं और ये स्किन को रिपेयर करने में काफ़ी मददगार होती है। फिर हमें चाहिए 1 चम्मच दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी स्किन को हेल्दी बनाए रखता है। दही हमारी स्किन को हेल्दी तो बनाए रखती है, साथ में ग्लोइंग और सॉफ्ट भी बना के रखती है। फिर हमें चाहिए 1 चम्मच शहद। शहद हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारे चेहरे के दाग धब्बों को दूर करता है और स्किन को ग्लोई बनाता है। 3-4 मिनट तक आपको इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। आप चाहें तो इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं। जब इसका स्मूथ पेस्ट बन जाए तो इसके बाद आपको इसे फेस पर अप्लाई करना है। जब आप इसको फेस पर अप्लाई करेंगे तो दही के कारण आपको ठंडक सी महसूस होगी। आप इसको अपनी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बार जब आप इसे अच्छे से फेस पे अप्लाई कर लेंगे तो आपको इसे 10 मिनट तक फेस पे लगे रहने देना है। जब 10 मिनट हो जाएं तो आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। फेस वॉश करने के बाद आप कोई भी अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड होम रेमेडी के लिए आपको चाहिए टमाटो जूस, जिसके लिए आप एक टमाटो लें, उसको हाफ कट करके उसका जूस निकाल लें। आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। टमाटो में विटामिन सी और ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो स्किन को ब्राइट करती है। इसके बाद इस जूस में आप 1 चम्मच शहद मिक्स कर लीजिए और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे फेस पे अप्लाई कर लें। इसको फेस पे अप्लाई करते हुए 2-3 मिनट के लिए आप हल्के हाथों से फेस पे मसाज कर सकते हैं। जब आप इसको फेस पे अप्लाई करेंगे तो आपको हल्की सी इचिंग हो सकती है, लेकिन उससे कोई डरने की बात नहीं है। 5 से 10 मिनट के बीच आप इसे फेस पे लगे रहने दे सकते हैं। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लीजिए। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। अगर आप इन होम रेमेडीज़ को सही तरीके से यूज़ करते हैं तो आपको इनके रिजल्ट पहले ही हफ्ते में दिखने शुरू हो जाएंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।